ये है भाई ज़बरदस्त, देखने कैसा फैला है माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम है फहद रज़ा और आज मैं आपको लेकर आया हूँ खारादर कतरी मलाई पूड़ा खाने। ये मलाई पूड़ा जो होता है ये बहुत ही मीठा और अपनी नौयत की ख़ास डिश होती है। तो आइए व्लॉग शुरू करते हैं। तो जनाब मलाई पूड़ा जो है वो अमूमन रमज़ान में ज़्यादातर देखने को मिलता है। कराची की मुख्तलिफ़ शाहराओं पर ऐसी छोटी छोटी जो स्ट्रीट होती हैं, जैसे हम यहाँ पे आए हैं कतरी मलाई पूड़ा खाने के लिए, तो वहाँ पे रमज़ान के अंदर बहुत ज़ोक़ शौक से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, खाई जाती हैं। अमूमन आम दिनों में भी कारागर में मलाई पुआ जो है वो बनाया जाता है और इसको यहाँ पे खाया जाता है। अब देखें, मैं आपको बता दूँ इसका जो ये बैटर है, इस बैटर के अंदर अंडा, चीनी, मैदा, ये इन तमाम चीज़ों से मिलकर एक मलाई पुआ बनता है। अच्छा, सूजी भी इसमें होती है, तो सूजी भी इसका भी अमल दखल होता है। ये भाई ज़बरदस्त, देख रहे कैसा फैला है माशाल्लाह, क्या बात है जनाबे वाला। ये मालपूड़ा बनाने का भी एक तरीका है और हर कोई ये तरीका जो है इस तरीके से नहीं बना सकता, इसके लिए स्पेशल जो है वो टेक्निक चाहिए। ये देखें आप, ये बन गया जनाब मालपूड़ा। हम खारादर में हैं, खारादर में जनाब जी, आगा खान डायग्नोस्टिक सेंटर। अच्छा, आगा खान डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके पास ही ये है हजरत अंकल। आपका नाम क्या है, नाम क्या आपका? मोहम्मद हनीब। और आप उनके साहबजादे? अच्छा, ये इनके साथ, ये भी हमारा मालपूड़ा हो गया जबरदस्त। ये मालपूड़ा है जनाब और ये इसके साथ मलाई है, इस मलाई के साथ ये मालपूड़ा खाया जाता है। मैंने कहा ये प्लेट में ज़रा मुझे मिल जाए, तो ये प्लेट में बन रहा है मालपूड़ा हमारा। ये मालपूड़ा है जनाब और ये है इसकी मलाई। ये जनाब ये आ गया मालपूड़ा। सही, मालपूड़ा मैं खा के बताता हूँ। ये बेसिकली बहुत ही खस्ता, बहुत ही गर्म है। और ये जी मलाई है, मलाई के साथ मालपूड़ा। इतना क्रिस्पी है और इतना मीठा का जायका, ये बेसिकली मलाई रबड़ी टाइप है और इसके साथ जब ये मालपूड़ा डिप होता है, हम जब इसको डिप करते हैं, डिप करने के बाद ये जो एक मिक्सचर बनता है, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त।